बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बड़े पुत्र हरीश नड्डा ने आज श्री नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत जन शिक्षण संस्थान बिलासपुर द्वारा वार्षिक प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम 2022-23 सत्र के लिए विभिन्न ट्रेडों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक रणधीर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे व हरीश नड्डा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रणधीर शर्मा ने विभिन्न ट्रेडों से उत्तीर्ण JSS विद्यार्थियों को सम्मानित किया और जिले भर में कौशल विकास प्रदान करने में जन शिक्षण संस्थान बिलासपुर की असाधारण सेवाओं की सराहना की। चेतना संस्था द्वारा जो जन शिक्षण संस्थान चलाए थे, उनमें जिन महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था उनको प्रमाण पत्र आवंटित किए गए। निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास चेतना संस्था का है, जिसने इन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया, प्रशिक्षण दिया, जिसके कारण आज वो घर बैठे अपनी रोटी रोजी कमा रही हैं। निश्चित रूप से इसके लिए चेतना संस्था के हमारे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी, सचिव हरीश जी बधाई के पात्र हैं और मैडम कविता, जिनके माध्यम से इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम में जो होते हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी महिलाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। नैना देवी में चेतना संस्था के माध्यम से जो JSS के सेंटर चलते हैं, उनका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की स्किल डेवलपमेंट की सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए इन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का एक प्रयास चेतना संस्था कर रही है। जिन महिलाओं को आज ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुए, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। ऐसी कामना करता हूँ कि वो अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। आज माँ नैना देवी के दर्शन करने का अवसर मिला और मैं यही कामना करता हूँ कि जो अभी बारिश के कारण पूरे हिमाचल में जो लोगों का नुकसान हुआ और जो आपदा आई है, माँ हम सबको शक्ति दे, रक्षा करे कि हम उस आपदा से उभर सकें और सभी सुरक्षित रहें। यही कामना और यही प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन सभी देशवासी और राष्ट्रवासी सुरक्षित रहें। यही देश में माँ नैना देवी से प्रार्थना करता हूँ।